उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 128 ग्राम ब्राउन शुगर और नकदी बरामद की है। तस्करों को मंगलवार को रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यश वर्मा ने बताया कि तस्करों से पूछताछ के बाद कई और मादक पदार्थों की तस्करी का सुराग मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा के नेतृत्व में पुलिस बल ने सोमवार को रायगंज थाने के मधुपुर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और चार मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी तस्कर रायगंज शहर के रहने वाले हैं। तस्करों के नाम सत्संग सारणी के देवव्रत राय, रविंदरपल्ली के अरिजीत सरकार, शक्तिनगर के सत्यजीत महंत और वकील पारा के पीर पुकुर के रवि कहार हैं। रायगंज पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यश वर्मा ने कहा कि तस्करों के पास से 128 ग्राम ब्राउन शुगर और 50,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। चारों को मंगलवार को रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही रायगंज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। रायगंज एरिया में ब्राउन शुगर का ड्रग्स का एक बेसी प्रॉब्लम अच्छे फिर गतकाल संध्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि NH बाईपास के पास मधुपुर नाम के एरिया में एक सोर्स की इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी टीम ने एक बहुत बेसी रेड कंडक्ट किया। वहाँ पर हमने चार आसामी पकड़े गए। इसके अलावा हमने अराउंड 15,000 रुपीज़ इन कैश और मोटा मोटी 125 ग्राम्स सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर भी हमने सीज किए। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़े नेटवर्क का भी पता चला है और भी नाम हमें पाए गए हैं जो दालखोला हिमताबाद जैसे इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी से जानकारी के साथ हमें एक वाइडर नेटवर्क इनके पूरे ऑपरेशन का खुलासा करने का मौका मिलेगा। जो चार अपराधी हैं हमने उन्हें यहाँ पर PC प्रेयर के लिए कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन और भी जाँच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। अभी के लिए बस इतना। जारी থাকবে সব সময় অভিযান চালাবেন আপনারা? ये तो the fight against drugs এটা তো ongoing battle আছে। ये तो as old as time আছে। किंतु मतलब हमारी टीम बहुत ही एक्टिव है। तो इन रीसेंट टाइम्स काफ़ी लो हो चुका है और हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये इस बहुत बढ़िया रेड के बाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंस इफेक्ट जाएगा जिससे यहाँ पर हमारा रायगंज एरिया जो है ये रिलेटिवली ड्रग फ्री रहे। मैं अपने मन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो। हम फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर चलते हैं। हम ऐसे अपने मन के बेसिस पर आधार पर डिसीजंस नहीं ले सकते। इसमें तो आरोपों के जुड़ी तो अच्छा चला नहीं। अभी के लिए बस इतना और भी सवाल है। बाकी जो भी इनका जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ये हमारे इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद ही दीजिएगा।